नमस्कार, शारदा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि शारदा ऐप के अपडेटेड वर्जन में जो भी नए ऑप्शन जोड़े गए हैं उनके बारे में और परिवार पंजीकरण का फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में आपको आज बताया जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके शारदा ऐप को इंस्टॉल करना है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो। और यदि आप में ऑलरेडी आपके फ़ोन में शारदा ऐप इंस्टॉल है तो बस जैसे ही आप ओपन करेंगे अपडेट का एक मैसेज आएगा, उस पर आपको अपडेट पर क्लिक करके ऐप को अपडेट कर लेना है। इसके बाद आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपको, कृपया प्रतीक्षा करें। इस दौरान आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी 6 अंकों की, उस OTP को लिख के आपको लॉगिन करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो 6 अंक की OTP प्राप्त हुई है उसे लिख के लॉगिन करें। यहाँ पे आपको 4 अंकों का पिन बनाना है। पिन बनाने के बाद पंजीकरण बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको ने जो पिछली स्क्रीन में पिन बनाया है उसी पिन को यहाँ पे लिख के आपको ऐप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी जहाँ पे स्कूल का नाम यूडाई स्कूल और कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या जो 23-24 में वो प्रदर्शित होगी। इसके बाद आगे बढ़े बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं सबसे पहला काम आपको करना है कि नीचे जो एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर से दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा, मास्टर डाटा सिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर इसके बाद एक मैसेज आएगा, क्या आप अपना मास्टर डेटा अपडेट करना चाहते हैं, आपको हाँ पर क्लिक करना है। हाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आप इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप आगे बढ़े बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और फिर परिवार पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके पंजीकरण फॉर्म को भरेंगे। मास्टर डेटा सिंक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये होगा कि मास्टर डेटा सिंक करने के बाद अगर आपका पिछला कोई भी डेटा अनसिंक में पड़ा है कुछ भी, तो वो सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल छात्र को सिंक अगर करना है वो भी आप कर सकते हैं, यूज़र बदलना है यूज़र भी बदल सकते हैं। छात्र की संख्या अगर आपको कम ज़्यादा दिख रही है तो छात्र अपडेट करें बटन पर क्लिक करके आप वो संख्या भी अपडेट करते हैं। इसके बाद आते हैं परिवार पंजीकरण फॉर्म पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद परिवार जोड़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से पंजीकरण का फॉर्म आएगा जहाँ पे आप अपने क्षेत्र का चुनाव करेंगे। फिर क्षेत्र का चुनाव करने के बाद निकाय का चुनाव करेंगे, ग्राम पंचायत वार्ड चुनेंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपका मोहल्ला है, ग्राम सभा है, वार्ड पंचायत वो लिखेंगे। यहाँ पे हम आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं इसीलिए डेमो लिख रहे हैं, आपको सही सही नाम लिखना है। राशन कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे, परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, जेंडर का चुनाव करेंगे, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, फॉर्म में जो भी चीज़ें भी मांगी गई हैं सभी को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वामित्व चुनेंगे, राशन कार्ड का प्रकार, पूरा यहाँ पे पता लिखेंगे। फॉर्म में सभी डिटेल को भरते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सर्वेक्षणकर्ता का विवरण लिखना है आपको, जो सर्वे करने गए हैं उनको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे 10 अंकों का नाम लिखना है और विभाग का नाम कि किस विभाग से वो सर्वे करने गए हैं। इसके बाद आगे बढ़े बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से फॉर्म प्रदर्शित होगा जहाँ पे आपको जो आपने परिवार के सदस्यों का पिछली स्क्रीन पे चुनाव किया है उनका विवरण भरना है। यहाँ पे उनका नाम लिखना है सदस्य का, आयु दर्ज करनी है आपको, मोबाइल नंबर लिखना है, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय एंड मुखिया से संबंध, ये चुनने के बाद आप आगे बढ़े बटन पे क्लिक करेंगे। फिर एक लास्ट में आपको एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव फैमिली मेंबर डिटेल्स, क्या आप फैमिली मेंबर की डिटेल को सुरक्षित करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करके
सुरक्षित कर देना है। इस अब फिर आएगा आपको बच्चे की जानकारी, पिछली स्कीम में आपने जितने बच्चे परिवार में भरे थे उनका विवरण देना है। यहाँ पे आप बच्चे का विवरण भरेंगे, बच्चे के पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे और उससे जो भी संबंध है वो लिखेंगे। और इसके बाद लास्ट में किसी स्कूल में अगर दाखिला है बच्चे का तो हाँ लिखेंगे अथवा नहीं करेंगे। बच्चा यदि दिव्यांग है तो हाँ पे टिक करेंगे अथवा नहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव चाइल्ड डिटेल। इसका ये मतलब है क्या आप बच्चे के विवरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे डाटा सिंक करने के लिए मैसेज आएगा कि क्या आप परिवार संरक्षण का डाटा सिंक करें। आप सिंक बटन पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, डेटा आपका सिंक हो जाएगा। सिंक होते ही नीचे मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा सिंक हो चुका है। इसके बाद परिवार पंजीकरण की रिपोर्ट भी दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो परिवार पंजीकरण की रिपोर्ट भी परिवार के बच्चे एवं सदस्य का आपने जो पंजीकरण फॉर्म भरा है उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप परिवार पंजीकरण रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से विवरण प्रदर्शित होगा, जिसमें अगर आपको फैमिली मेंबर का परिवार के सदस्य का विवरण देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे बटन पर, तो इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। व्यू मोर पर क्लिक कर लेंगे तो उसका इस प्रकार से पूरा विवरण आपको दिखने लगेगा। इसके बाद यदि आपको बच्चे का विवरण देखना है तो आप फैमिली में बच्चे देखिए बटन पर क्लिक करेंगे, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से उसकी जो भी जानकारी आपने भरी है वो प्रदर्शित होने लगेगी। इस प्रकार से आप शारदा ऐप में, अपडेटेड ऐप में परिवार का पंजीकरण कर सकते हैं एवं बच्चे का डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर बाद में भी बच्चे का विवरण ऐड करना चाहें और परिवार का विवरण ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यदि आपको परिवार पंजीकरण फॉर्म भरने में कोई भी टेक्निकल समस्या आती है तो आप टेक्निकल टीम के नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा समस्या के पूरे विवरण के साथ prerna@gmail.com पर कॉल करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें।